सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित एक पाठ। पाठ का शीर्षक है बिना जड़ का पेड़। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। आज एक नया व्यापारी आया, पता नहीं क्या संदूक में क्या है, समझ में नहीं आ रहा। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। क्या कैसे पता करेगा वो? और बिना पानी के पौधा कैसे लग सकता है? आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं, इसलिए पहले मुझे कोई ये बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहां चाकरी करने को तैयार हूं। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे। लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। उत्तर दे सकते हैं। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, महाराज मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है। और क्या है ये कैसे पता लगाया? लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए महाराज, और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहां ठहरना होगा। हां, संदूक बदला न जाए इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे, और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहां चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूं। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वो भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। ओ ये सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ
आतिशबाजी निकाल कर छोड़ी। अरे ये क्या दरबार में ये गोनू झा जी को क्या हुआ? गुस्सा है सनम का, इतना है क्या समझ में नहीं आया? क्या क्या सावधान रहना चाहिए। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गईं और कहा, गोनू झा ये क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी, सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। क्या? इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। ओ बहुत अच्छा कर रहा है, देखिए कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी जब आपने ये कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर ये कहा कि रात ही में आपकी ये फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी जी महाराज, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है जी, आप यहां रहने के लिए स्वतंत्र हैं। पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा जी, अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय, महाराज की जय, गोनू झा की जय, गोनू झा की जय। बिना जड़ का पेड़। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख वीरेंद्र झा, कलाकार मंजू मैनी, बाबला कोचर, सुनील लोहिया और राजेश आहूजा, ध्वनियांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।